सी रेसिपी शेयर करने। तो अभी यहाँ पे चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आज मेरा मन कर रहा था कि थोड़ा सा कुछ अलग बनाए नाश्ता में, तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:15 और मुझे लेने भी जाना है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे आप लोगों के साथ चले उसे क्या करने। यहाँ देखिए मैंने बेसन ले लिया है, चने का बेसन है फ्रेश, तो यहाँ पे मैं अब ले लेती हूँ बेसन। और इस समय दोपहर के बज रहे थे तो एक बजे मैंने ये काम स्टार्ट किया, क्योंकि 2 बजे बेटी को लेने जाता है। यहाँ पे मैंने बेसन को निकाल लेती हूँ, एक कटोरी मैंने इतना थोड़ा सा मेरा इसको बनाने में सारी प्रोसेस तो बहुत अच्छी थी बट थोड़ी सी मिस्टेक था उसमें, क्या था वो भी मैं आप लोग को बता दूँगी, लेकिन बना तब भी अच्छा था, थोड़ा सा और अच्छा हो जाता अगर थोड़ी सी मेरी अक्ल जो होती ना काम कर गई होती थोड़ी सी और। तो यहाँ 2 कटोरी मैंने ले ली है बेसन, अब इसमें थोड़ा सा हल्दी। आप लोग कई बार ऐसा होता है कि आप लोग कभी बनाते हैं तो होता ना ऑरेंज कलर ऊपर आ जाता है, तो वो इसमें बिल्कुल नहीं आएगा, आप लोग इसमें देखिएगा। तो इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा उसके बाद नमक भी डाल दूँगी और बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। और इसे मिक्स करते समय पूरी ध्यान देनी चाहिए, पूरी अच्छी तरीके से इसे मिलाना हो। थोड़ा सा मैंने देखे नमक भी ऐड कर दिया है, और नमक ऐड करने के बाद फिर मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं जो दही का वो दही बनाई हूँ उसका छाछ हो चाहे जो भी हो, देखिए यहाँ पर अब कटोरी में मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ दही थोड़ी मेरी पतली थी तो भी क्या हुआ, थोड़ा सा इसमें और रहता तो और भी अच्छा लगता, बट इतना ही मेरे पास था जिससे था उसी से कम चला लेना चाहिए, तो मैंने इतना था तो 1 कटोरी था। मैं इसे अच्छे तरीके से अभी कटोरी ये है 1 कटोरी पानी मैं डाल के इसे ऐड कर लूँगी और इसे अच्छे तरीके से मिला लूँगी। और मिलाने के बाद मैं इसमें फिर बेसन में मिलाऊँगी, बेसन में डालूँगी। पहले तो मैं उसे जैसे छाछ बनते उस तरीके से मैं बना लूँगी, और बनाने के बाद उसके बाद ही मैं इसमें बेसन में डालूँगी, इसलिए कि आपका जो दही है उसका फ्लेवर कहीं ऐसा ना गोटी गोटा इस तरीके से इधर उधर हो, तो इसीलिए मैं पहले इसे छाछ की तरह बहुत अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बनाऊंगी। और मैं आप लोग से बातें भी कर रही थी बता रही थी, बट हुआ क्या कि बच्चे आ गए थे घर में, काफ़ी ज़्यादा हल्ला हो रहा था इसलिए वॉइस को म्यूट करना पड़ा। तो अब यहाँ पे मैं चल रही हूँ, निकालती हूँ इसमें देखिए बेसन, और बेसन में मैं इसे डालती रहूँगी, थोड़ा थोड़ा मिलाती रहूँगी। और इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा करके मिला, अगर आपको कम थोड़ा सा दही नहीं है, वैसे मेरे पास थोड़ा कम था, आपके पास और हो तो ले लीजिएगा, नहीं तो फिर आप भी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने बाद देखिए मैं बहुत अच्छे तरीके से इसे मिला रही हूँ कि इसकी एक भी किसी भी जगह इसमें इसे गुठलियाँ बना हुआ इस तरीके से या पड़ा हुआ ना रहे। देखिए बहुत अच्छे तरीके से हो गया है ना, ऐसे ही आप भी बना सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी स्पंजी। हाँ, जो मेरा मिस्टेक हुआ था मैंने आपको उसको भी मैं बता रही हूँ क्या है। आप उसके अगर आपने 2 कटोरियाँ दी हैं, 2 कटोरी है वो, 1 कटोरी दही, और तो आपको जो इनो पाउडर होता है उससे आपको 2 पैकेट डाल ही देना चाहिए। मैं थोड़ा सा कमी कर दी, मेरे पास था लेकिन मैं इतना नहीं सोची थी, मैं 1 ही पैकेट डाली जिससे वो काफ़ी ज़्यादा हंस तैयार हो जाऊँगी स्कूल लेने और फटाफट चले हूँ तैयार होने, उसके बाद आऊँगी तब वो बनेगा ढोकला। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, मैं आज ढोकला की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही पढ़ी हूँ, चली हूँ तैयार होंगी, नहीं काफ़ी लेट हो जाएगा। इसको दूध दूँ अभी बेसन वाला मैं बनाने का, यार क्या होता है इसको ना दूध दीजिए तुरंत तो सबसे आसान काम हो जाता है। तो फिर दीदी लोग आएगी खा लेगी। तो यहाँ मैं बच्चों को लेके आ गई और आने के बाद मैं देख रही हूँ तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा, अगर आप बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर नहीं डालना चाह रहे तो आप 1 घंटे पहले इसे इस तरीके से मिला के रख दीजिए तो काफ़ी अच्छा आपका बन जाएगा। तो मेरी अब मैं चली हूँ एक छोटी सी जो हमारे पास यही है थाली है, तो इसी थाली को मैं लेती हूँ, इस थाली को लेते हुए प्लेट है, बड़ी थाली छोटी थाली है समझिए। तो इसमें मैं अच्छे तरीके से ऑयल को लगा लेती हूँ ब्रश के सहारे, जिससे हमारी बहुत अच्छे तरीके से इसको इसमें जो पकड़े ना से होता है ना चिपचिपापन हो जाता है या पकड़ लेता है नीचे गीला रह जाए इस तरीके से,
तो यहाँ पे मैंने देखिए इसे तैयार किया और मेरे पास ये दो था लेकिन मैंने गड़बड़ की, तो आप लोग दो इनो, अगर दो कटोरी है तो आप दो पैकेट इनो डालिएगा। और मेरे पास कढ़ाई कोई और ऐसा नहीं था, तो ये कढ़ाई थोड़ी चौड़ी थी, अच्छी थी, लोहे की थी, तो मैं सोची चलो इसी में काम चला लेते हैं। और जो स्टैंड मेरा है उसे मैं इसमें रख दी हूँ और पानी रख दी हूँ। अब ये पानी जब तक पानी खोलेगा, गर्म होगा, तब तक मैं इनो मिला लेती हूँ अच्छे तरीके से इसे रखूँ कि ऐसा रहे कि एक बराबर मेरी थाली जो रखा है वो बहुत अच्छे तरीके से रखा जाए, इसीलिए मैंने इसे किया है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं चल रही हूँ इनो, तो जब तक पानी गर्म होता है तब तक यहाँ मैंने अपना तड़का छौकार जो है उसे तैयार कर ली, जो उसका पानी होता है खट्टा मीठा नमकीन वो वाला फ्लेवर वाला। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल लिया, रिफाइंड है जो, और उसे डाल लिया। और इसमें अब मैं थोड़ा सा ये गर्म अभी नहीं चालू की हूँ, तब तक पानी मेरा खोलने लगा है, तो मैं चलो अभी इसमें स्टार्ट कर देती हूँ पलट करके, क्योंकि अभी उसका फ्लेम नहीं चालू है। तो यहाँ पे मैंने इनो को देखिए कट कर लेती हूँ और एक पाउच जो है इनो मैं इसमें डाल देती हूँ। और डालने के बाद आपको एक ही रफ्तार से अच्छे से इसे मिक्स करना है, मिलाना है, जिसके जो है बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। और ऐसा आपको मिलाना है कि इसमें जो कलर लोग कहते हैं ऑरेंज हो जाते हैं, इस तरीके से हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। बस आपका बनाने का थोड़ा सा तरीका है, जैसे मैं बना रही हूँ उसी प्रोसेस से करिएगा, जिससे हमारा प्रोसेस देखिए हुआ है, मेरा सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ है। बट क्या हुआ, थोड़ा सा स्पंजी कम था, थोड़ा और भी होता तो काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा अच्छा लगता, तो बाकी सब चीज़ें बहुत परफेक्ट था। तो देखिए कमियां सब में आ जाती है, तो इसमें छुपाने कोई बात, इसलिए मैं बताई जो कमियां मुझसे हो गई थी वो आपसे ना हो, इसलिए मैं आपको बताई हूँ, नहीं तो मैं चाहती इसे बता भी नहीं सकती थी, लेकिन ये गलत बात है। आपको अगर मैंने रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो रेसिपी की सारी प्रोसेस आपको मालूम होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अनपरफेक्ट बने। तो यहाँ मैंने देखिए थाली में तुरंत उसको मिलाने के बाद तुरंत मैंने थाली में डाल के अब इसे सीधा एकदम चढ़ा दिया। अब मैं थाली से इसे ढक दूंगी कि इसके जो स्टीम जो भाप बनेंगे ना वो इसी में रह जाए, जिससे ये बहुत अच्छे तरीके से फूल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने नींबू कट कर लिया है, ये मीठी नीम की पत्ती है उसको ढकने के बाद, और यहाँ पे हरे मिर्च जो है मैंने उसकी कट लगा ली हूँ और इसे मैंने रगड़ के साफ़ करके रख लिए, सूखे हैं मीठी नीम की पत्ती इसलिए मैंने थोड़े से रगड़ दिए तो टुकड़े टुकड़े में हो गए। और यहाँ हरी मिर्च का कट लगा ली हूँ। और देखिए अब मैं यहाँ पे जो छौकारा ला रखी हूँ अब इसमें मैं डालूँगी ऑयल, और ऑयल डालने के बाद इसमें थोड़ा सा गर्म होगा उसके बाद मैं इसमें डालूंगी क्या, पहले सबसे भी आपको दिखाती हूँ सब, जैसे जब तक वो आपका 15 से 20 मिनट में अच्छे तरीके से बनेगा ढोकला, तब तक आप इसे इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने राई ले लिया और राई को मैंने अब उसमें, राई ऑयल मेरा गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें देखिए राई, और राई जब मेरा थोड़ा सा चटकने लगेगा तब मैं इसमें डाल दूंगी मीठी नीम की पत्ती और हरी मिर्च, ये दोनों ऐड कर दूंगी। तो अब यहाँ पे चटकना स्टार्ट हो गया था इसलिए मैंने डाल दिया है मीठी नीम की पत्तियाँ, और यहाँ पे फिर मैं डालूंगी इसमें हरी मिर्च थोड़ा सा, वैसे वैसे एक दो बार चलाने के बाद फिर इसमें मैं डालूंगी पानी, जो पानी सबसे ज़रूरी जो हमारे उसके लिए इतना अच्छा बेटर बनेगा, इतना अच्छा पेस्ट, जो उसके खाने की खट्टी मीठी जो चीज़ें ना वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए थोड़ा सोने लगा, अब मैं इसमें ऐड कर दी हूँ पानी, और पानी ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड क्या क्या करूँगी आप लोग इसे देखते रहिए, तभी आप बहुत परफेक्ट तरीके से बना पाएंगे। अगर आप लोग स्किप किए तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे इसमें और क्या क्या पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से सारा मिल गया। अब मैं इसमें स्टार्ट करूँगी 1 स्पून और 1/2 स्पून चीनी शुगर जो है उसे ऐड करूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी नींबू, नींबू से खट्टा होगा, चीनी से मीठा होगा, हरी मिर्च से तीखा होगा, और जो मीठी नीम से फ्लेवर आएगा वो अलग से होगा, तो आप लोग को भी ये पसंद आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको डाल दिया और फिर थोड़े आधा और मैं डालूँ, मुझे कम लग रहा था मैंने एक नींबू पूरा डाल दी, वैसे आधा डालने जा रही थी लेकिन पूरा डाल दी।
अच्छा अब मैं थोड़ा से इसे इसे अच्छे से मिला दे रही हूँ क्योंकि ये भर गया काफी ज्यादा। नमकीन थोड़ा सा मैं सीधा इसे करूँ कि ये थोड़ा सा नमक सबक डाल देते हैं तो नमक सबक डालने के बाद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने नमक को भी ऐड कर दिया। तो चलिए ये भी पक के तैयार हो गया है। आप देखते हैं इसकी क्या हाल है ढोकले की। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे खो दिया और देखिए आप कलर को, कलर के पीछे आप कहीं भी नहीं भाग सकते। ऑरेंज कलर बिल्कुल नहीं है, जैसे कलर नॉर्मल होते उसी अकॉर्डिंग ये आया है। और अब मैं इसे चेक कर रही हूँ ऐसे डाल के, देखिए एक भी इसमें कुछ लग नहीं रहा था, इसका मतलब है ये हो चुका है। और क्योंकि अगर हुआ नहीं रहता ना तो वो पकड़ते लकड़ियों में चिपक चिपक से जाती, बट ऐसा नहीं है। तो चलिए अभी से मैं बंद कर देती हूँ, उतार देती हूँ नीचे और थोड़ा ठंडा। जो देखिए कैसे फटे फटे अजीब से हुए ना, बहुत ही अच्छी हुई है, फूल गई है ना बहुत अच्छी वाली। तो इस तरीके से अब मैं इसे दूसरी वाली थाली में पलट दूँगी और पलटने के बाद तब फिर मैं इसकी कट लगाऊँगी, जिससे देखिए थोड़ा सा मैंने ठोक दिया कि बराबर से निकल जाए, नहीं तो इधर उधर टूटने का डर हो सकता है क्योंकि काफ़ी बड़ा था इसलिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे तरीके से हो गया। अब मैं इसे कट लगाऊंगी और कट लगाने के बाद इसे तैयार करके निकालना है। और ये देखिए कटिंग स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से आप जैसे भी चाहे उस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा तिरछा, थोड़ा सीधा, जो भी आकार में आपको पसंद आए उस आकार से आप कर सकते हैं, जिसे खाने में देखने में बहुत ही टेस्टी आता है। और काफ़ी बड़ा हो जा रहा था तो मैंने थोड़े थोड़े छोटे टुकड़े में कर दिए। तो चलिए अब हाथ में लेके दिखाते हैं आप लोग को कैसा बना है, तो आप लोग भी देखिए। बस ये देखिए ना, स्पंजी हुआ है कि जितना चाह रहा था उतना नहीं हुआ। तो वही बस एक पैकेट इनो, अगर दो कटोरी बेसन है तो ये दो पैकेट इनो आपको डालना है। तो यहाँ पे ये देखिए जो हमारा ये तैयार हुआ था पानी इसका अच्छे तरीके से खट्टी मीठी फ्लेवर देने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये भी तैयार। तो आई होप वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक ये मेरा ब्लॉग के साथ आज मैंने आप लोग के साथ एक ढोकला रेसिपी शेयर की। तो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा, ऐसा ढोकला आप लोगों ने नहीं खाया होगा, खाया होगा तो बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा। और जो हमारा नॉर्मल तरीका था वैसे के, चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।